नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसको भी ज्वाइन कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो की अगर बात करें, इस वीडियो के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं, एक बात करेंगे हम कृषि प्रवेक्षक की जो वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है, यानी कि कृषि प्रवेक्षक की वैकेंसी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी वैकेंसी और कब तक होगा इसका एग्जाम, और सहायक कृषि अधिकारी की जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है और उसका एग्जाम कब तक हो सकता है, इन्हीं सभी चर्चाएँ करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो विद्यार्थियों के मन में काफ़ी दिनों से चल रहा है कि कब तक आएगी कृषि प्रवेक्षक की वैकेंसी, तो अगर बात करें दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि प्रवेक्षक की जो वैकेंसी है वो जनवरी से मार्च के माह में आ सकती है, और ये सूचना है वो यानी कि कन्फर्म ही मान लो आप, यानी कि जनवरी से मार्च से पहले पहले इसकी विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। कृषि विभाग ने इसकी तैयारी है वो पूर्ण रूप से कर ली है और वो कभी भी अधीनस्थ बोर्ड को अपने यानी कि प्रोफॉर्मा भेज सकता है और उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड मार्च से पहले इसकी विज्ञप्ति जारी कर देगा। तो यानी कि पहला सवाल है हमारा कि कृषि प्रवेक्षक वैकेंसी कब आएगी, तो ये आपको कन्फर्म मान लेना है कि मार्च से पहले कन्फर्म आ जाएगी। उसके बाद में बात करें कितने पदों पर आएगी वैकेंसी, फिलहाल अगर बात करें तो कृषि विभाग ने यानी कि 240 पदों पर ये एक प्रोफॉर्मा है जो तैयार किया है, यानी कि कितने पदों पर तैयार किया है, 240 पदों पर। हाँ, पदों की संख्या है, जैसे हम बात करें पिछली वैकेंसी की, तो पिछली वैकेंसी में भी 800 से 2300 पद हो गए थे, तो इस बार भी यानी कि 240 से ये मान के चलो 1000+ पद तो कन्फर्म हो ही जाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे ही जनवरी के अंदर बजट आएगा तो उसमें कुछ और पद है वो भी ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट कि आखिर एग्जाम, अगर वैकेंसी आ जाती है जनवरी से मार्च के बीच में तो इसका एग्जाम कब होगा, तो जुलाई से सितंबर होगा, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि इसी सरकार के अंदर यानी कि नए चुनाव होने से पहले पहले एक एग्जाम है इसका कृषि प्रवेक्षक का वो कंप्लीट हो जाए। तो यानी कि जुलाई से सितंबर माह में हाँ आचार संहिता लग जाती है, परंतु आचार संहिता के अंदर एग्जाम हो सकता है, नए पदों की घोषणा नहीं हो सकती, तो नए पदों की घोषणा तो मार्च से पहले हो जाएगी और उसके बाद में एग्जाम है वो जुलाई से सितंबर के बीच में होने की पूरी संभावना है जैसे वैकेंसी आती है। देखो अगर बात करें दोस्तों, अगर वैकेंसी आ जाती है, आने वाली है, अभी हमें लग रहा है कि आने वाली है और आएगी जनवरी से मार्च के बीच में, तो उसके बीच में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं किया तो तैयारी शुरू कर दीजिए। कोचिंग करना चाहते हैं तो किसी भी संस्थान की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको भी आप यानी कि पढ़ते रहिए, उनके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जितने भी पुराने पेपर है एग्रीकल्चर रिलेटेड वो सारे डाले गए हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें सहायक कृषि अधिकारी की जो वैकेंसी है, तो ये भी मान के चलो कि जैसे ही यानी कि कृषि प्रवेक्षक की वैकेंसी आएगी तो उसके साथ में ही यानी कि सहायक कृषि अधिकारी की वैकेंसी है वो भी आ जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट यानी कि सहायक कृषि अधिकारी की जो वैकेंसी है वो कितने पदों पर आ सकती है, तो सहायक कृषि अधिकारी की जो वैकेंसी है वो 212 पदों पर आएगी। कितने पदों पर आएगी, 212 पदों पर आएगी। उसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं और अन्य जानकारी लेकर। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।